वेलकम बैक टू मिसेस दीवा एंड मैं आपके लिए आज की टिप ऑफ द डे लेके आई हूँ। आज हम कुछ ऐसे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमनली आप सीख सकते हैं या आप ये स्किल्स पिकअप कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस या कहीं पे भी क्लासेस हो रही हो तो उन क्लासेस को लेके और आप एक अच्छा वर्क फ्रॉम होम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप चाहें तो आप सोप मेकिंग में आ सकते हैं, जो कि हैंडमेड सोप्स या होममेड सोप्स जो होते हैं वो बहुत आजकल चल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आप गिफ्ट रैपिंग अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टीज़ में, बेबी शावर्स में या ब्राइडल शावर्स में आजकल बहुत गिफ्ट्स जाते हैं एंड समवन नीड्स अ प्रोफेशनल टू रैप दोस गिफ्ट्स। और ये एक चीज़ ऐसी है जो कि बहुत चल रही है आजकल। होममेड चॉकलेट्स आप का कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप घर से चॉकलेट्स बना के उन्हें सेल कर सकते हैं। किसी से कोलैबोरेट करने की कोशिश करिए जो कि वेडिंग के ऑर्डर्स लेता हो, वेडिंग गिफ्ट्स में हो, आप अपने चॉकलेट्स उनके साथ उनके ऑर्डर्स में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेल आर्ट सीख सकते हैं, जो कि आप इजीली एक बार अगर एक दो क्लासेस ले लें, सीख लें, तो आप इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू उनको बहुत अच्छे से और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं डिज़ाइंस को, और इजीली घर से भी आप ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉटरी मेकिंग जानते हो या ऐसे क्ले मॉडलिंग या यू नो इस टाइप की कोई आर्ट आपको आती हो, तो आप छोटे बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए भी ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है कि हैंडमेड कुछ भी अगर गिफ्ट मिले या कोई गिफ्ट करे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हम सब चाहते हैं ये चीज़ें सीखना। और इसके अलावा लास्ट चीज़ जो है वो है ट्रेजर पैकिंग। आप ट्रेजर पैकिंग में एक्सपर्ट अगर हैं या आप अच्छी पैकिंग करते हैं तो आप वही नीश चूज़ करके अपनी वही लाइन जो है वो आगे कॉमर्शियली आप उसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब पे मेरी एक्सप्लेनर वीडियोज़ ज़रूर देखिए या मुझसे कॉमेंट्स में पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।